दिखाई दे रहे हैं, जो कटा हुआ पार्ट देख रहे हैं कटा हुआ उसने हल्का सर्जरी कर किया हुआ है, घबराने कोई बात नहीं, खुद बताएंगे वो। जी नमस्कार प्रणाम, जितना भोजपुरी भाई लोग बात सबके हमारे अंत मन से प्रणाम। आप लोगों का ऐसा प्यार बा स्नेह बा, वही प्यार स्नेह के चलते पुनर्जन्म मिलल बा, आगामी जन्म मिलल बा, फिर से आप उनके चरण में जन्म के बितावल चाह। हम बिल्कुल स्वस्थ हई, टूटल फूटल नहीं थे, चोट बा लेकिन चिंताजनक नहीं थे। हॉस्पिटल वेदांता बड़ा अच्छा से देखभाल लोग कैल, सर्जरी भी हल्का फुल्का हो सब ठीक बा। और हमारे चाहने वाले लोगों को हम यही कहेंगे, आप लोग घबराइए मत, हम आप लोगों के बीच आ रहे हैं। मंगलवार बुधवार को निश्चित मिलेंगे आप लोग से। जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या कर रहे थे गाड़ी में? एक्सीडेंट होता तो पता थोड़ी चलता है कैसे, क्योंकि काफी स्पीड गाड़ी थी, गाड़ी 160 की स्पीड। और हमें जरूरी काम से जाना था, पानी बरस रहा था, गाड़ी राइट साइड खींच ली, खींचती है। और हम डिवाइडर में लड़े, लड़ने के बाद में निकाल करके कोई जैसे जहाँ तो पौधे लगाए जाते हैं बीच में जहाँ मिट्टी, उस मिट्टी पर उठा करके किसी ने मुझे रख दिया। ये साक्षात चमत्कार कृपा है माता। देखो तमाम पीछ बिछी हुई इतनी लंबी सड़कें हैं, और मुझे वहां मिट्टी पर घूमने के बाद 4-5 राउंड गाड़ी पलटी है। अब मैं खुद उठा और मैं खुद गया और लिफ्ट मारा और यहाँ आया। एक यहाँ नर्सिंग होम था, उसमें थोड़ा सा उपचार लिया। इसके बाद हमारे भाइयों का फोन आने लगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया, माननीय अखिलेश यादव का, धर्मेंद्र यादव जी का भी फोन आया, यहाँ यहाँ के प्रबंधक वेदांता के, वो क्या नाम उनका, अमित पाठक, अमित पाठक जी, अमित पाठक जी के यहाँ फोन आया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे कलाकार और हमारे नेता किसी प्रकार की कोई दिक्कत उपचार में नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से देख रेख करिए, अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए। और हमसे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात किया। गलत अफवाह और गलत लोगों के विचार से आप लोग बिल्कुल परेशान न हो, मैंने जो आप लोगों से कहा है मैं वही हूँ। ये नहीं कि अंदर से कुछ और हूँ बाहर कुछ और, बस वैसा ही हूँ जैसा था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए।